टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शबे बरात की रात मुस्लिम समुदाय पूरी रात जाकर इबादत करते हैं और इस रात को कब्रिस्तान में भी जाकर अपने पूर्वजों के लिए दुआ मांगते हैं। मुमरा शहर में आज शबे बरात की रात में कब्रिस्तान खुले रहने के समय को लेकर लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए। कितने लोगों को कब्रिस्तान में जाने को ही नहीं मिला, वो दरगाह रोड कब्रिस्तान हो या फिर कौसा कब्रिस्तान हो या फिर एमएम वली कब्रिस्तान, क्योंकि पहले कब्रिस्तान खुले रहने का समय रात 11 बजे तक था, मगर जिस दिन कब्रिस्तान के ट्रस्टी और मुमरा पुलिस के बीच में 11 बजे तक समय को लेकर बैठक हुई थी, उसी के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और नाइट कर्फ्यू होने की वजह से कब्रिस्तान के ट्रस्टियों ने समय कम करके रात 8 बजे तक कर दिया। ज़्यादातर पब्लिक को 11 बजे का समय ही मालूम था, इसलिए जब रात 8 बजे कब्रिस्तान का गेट बंद किया गया तो पब्लिक में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। एमएम वली कब्रिस्तान, दरगाह रोड कब्रिस्तान, कौसा कब्रिस्तान, सभी जगह पर पब्लिक में गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना है कि आज इबादत की रात थी, बड़ी रात थी और ऐसे में कब्रिस्तान में वो नहीं जा पा रहे हैं। कब्रिस्तान के गेट पर लोग खड़े रहे मगर मुमरा पुलिस के जवान तीनों कब्रिस्तान पर मौजूद थे। लोगों को समझाते बुझाते हुए ये पुलिस के जवान नज़र आए कि आप सरकार द्वारा जो कोरोना गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका पालन करें, मगर इसके बावजूद भी पब्लिक मानने को राजी नहीं थी। मगर पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कब्रिस्तान के गेट से लोगों को हटाया और लोगों को पुलिस ने नियम और कानून के बारे में बताकर समझा बुझा कर उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें अपने घर भेजा। इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो एक दूसरे को भी समझाते हुए नज़र आए और आम पब्लिक भी इस बात को समझी और धीरे धीरे कर गेट से लोग हटने लगे। हालांकि इस दौरान अगर हम बात करें मुमरा शहर में दुकानें खुली रहने की तो रात 8 बजे ही सारी दुकानें बंद हो गई थी, मगर दुकानें बंद करने का निर्णय अभी ठाणे महानगर पालिका ने नहीं लिया है। हो सकता है कि जल्द ही मनपा भी गाइडलाइन जारी कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने सिर्फ मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल और शादी समारोह में 50% कम करने के और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने के संबंधित गाइडलाइन जारी की थी। बहरहाल जिस तरह से शबे बारात के रात में पुलिस का बंदोबस्त था और पब्लिक भी जिस तरह से कब्रिस्तान जा रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझा कर उन लोगों को वापस किया और जो समय को लेकर लोगों में काफ़ी गलत फहमी थी वो भी दूर की गई। बहरहाल किसी तरह का कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।